अन्ना भाई आप अपनी बेटी को पराई समझते होंगे, लेकिन हमारी हमको जान से भी ज्यादा प्यारी है। बस उर्मिला बस, ये इनका निजी मामला है। माफ करना अन्ना साहब, हमारी बेटी से अनजाने में गलती हो गई होगी, लेकिन इसका इरादा गलत नहीं होगा। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि इस साजिश में शामिल हो कि आपकी बेटी ने हमारी शताब्दी पूजा का सत्यानाश कर डाला, है ना अन्ना? सही बात है ना प्रभाकर दादा की? मेरे हाथ से थप्पड़ खाएगा तू केशव, आग को बुझाने के बजाय और भड़का रहा है। और तू सर हिलाने के बजाय बिस्किट को कहां खो के आया है ये सोच। हाँ वो कहीं गाड़ी बीड़ी के नीचे आ गया तो? एक मिनट, वहनी गाड़ी का इशारा ऐसे कैसे? अरे निर्मिति, मैंने गाड़ी बीड़ी बोला तो भीड़ी का इशारा ऐसे ही होगा ना। तू गप्पो बस कर, अभिषेक कहीं से भी हो बिस्किट को ढूंढ के ला। ओए गलती किसकी है बाद में देखते हैं, लेकिन वो हमारे घर से गुम हुआ है तो वो हमारी जिम्मेदारी है। और आप मेरे साथ अंदर चलिए। अब मजा आया। केशव अन्ना तो आज गए, आप समझा समंदर खारा होता है। अन्ना यही देख रहे हैं। परमेश्वरा इसको दिया हुआ वचन, मैं तो आज गया। अगर कभी मुझे लगे कि आप गलत हैं, तो आपको इस शयन कक्ष में लाकर अकेले में मैं बोल सकूं कि आप गलत हैं। सिर्फ बोलने की क्या जरूरत है, डांट देना मुझे, लंबा चौड़ा लेक्चर बिक्चर सुना देना। हाँ लेकिन अकेले में। I'm sorry. अजो उल्टा कोतवाल चोर को सॉरी बोले। मम्मी प्लीज। अंकल मेरा यकीन मानिए, मैंने ये सब अपने मनोरंजन के लिए नहीं किया, बल्कि मेरे पापा ने मुझे बचपन से यही बात सिखाई है कि अगर कोई मदद मांगे तो उसकी मजबूरी समझो, और अगर ठीक लगे तो क्या? एक बाप की पूजा का प्रसंग बर्बाद करना ठीक लगा तुम्हें बेटा? नहीं, मुझे पिता का दिल दुखाए बिना अपने परिवार के लिए तरसी बेटी का दिल रखना ठीक लगा अंकल। और फिर भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी नियत में खोट थी, मैंने जानबूझकर आप लोगों का उत्सव बिगाड़ा है, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगती हूँ। जोली सॉरी। उनकी ओर से मैं माफी मांगता हूं। फिलहाल हम सब मिलकर बिस्किट को ढूंढे प्लीज। हाँ मारो दिखरो बिस्किट। पूजा समाप्त हो जाए उसके बाद में। अन्ना लेकिन पूजा तो कब की खत्म हो गई है, अब खाली यूं यूं क्यों घुमा रहे? उसमें है ना? रुक। क्या उसमें क्या? मुझे है ना? मजा नहीं आया बोलेगी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? अच्छा पापा तो बोलते हैं वैसे भी आपसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। केशव को ढूंढ रहा हो, बरोबर करूंगा उसे मैं। टाइम पास कर रहे हैं ताकि अंदर ना जाना पड़े, फिर सबके सामने बोलूंगी तो बुरा लगेगा। अन्ना महेंद्र भाऊ और उर्मिला वहिनी आपके लिए देखे गए थे। अरे वापस लौटा दे, ये कोई सालगिरह नहीं है, बर्थडे बिड्डे नहीं है, और ना ही वो हमारे रिश्तेदार है कि नहीं? बोलो ना। अब भारती वहिनी अभी रहने दे, और आप अंदर चल के बैठी। अरे मैं जरा दुकान होकर के आता हूँ।
एक बज गया है, एक से चार दुकान बंद, ना सामान बिकेगा ना उसकी सुगंध। तुझे बड़ा ख्याल रहता है समय का, रात को 11-11 बजे तक सोती नहीं है, तब समय का ख्याल नहीं रहता कि 10:30 बजे सोना होता है, चोमड़ी। अब आप चल रहे हैं या मैं यही शुरू हो जाऊं? तुम शांत रहो जोत्सना। मैं शांत ही हूँ, बाहर हूँ तब तक। ताली मत मारना वरना मैं तुझे मारूंगा। हाँ? अब चलिए। मैं चलता हूँ, तुम आराम से आओ। चलिए। झगड़ा लू है तू, झगड़ा करती रहती है, झगड़ा लू। ये बॉस अवे, ये फिर से बजना शुरू हो गया चाबी वाला खिलौना। वो अन्ना को जाके बोलो ना, बागड़ बिलाड़े के जैसे ऐसा घूर घूर के देख रहा था मुझे, क्योंकि उसके मुंह में तो दही जम गया था ना। और तू, तेरी जुबान, वो तो मेगा मैराथन भी निकल पड़ती है। मतलब चलती रहती है। अरे लेकिन वो, चुप कर। वो अन्ना बिना सोचे समझे तागड़ धिन्ना करे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी जुगलबंदी पर उतर आए। धैर्य, संयम और समझदारी का दूसरा नाम होता है गुजराती। 10 बार समझाया ना मैंने तुझे? एक्चुअली तो 50 बार महेंद्र, 50 बार समझाया आपने मुझे। हाँ, 50 बार समझाया मैंने तुझे। 500 महेंद्र, 500 बार समझाया ही होगा आपने मुझे। ये खुद बोल रही है, 500 बार समझाया मैंने इसे। 5,000 बार महेंद्र, 5,000 बार से कम नहीं, मैंने हिसाब रखा है। 500,000 बार समझाने के बाद भी तू समझेगी नहीं, लिख ले तू, टेक इट फ्रॉम मी। एक्सक्यूज मी अंकल। अरे क्या है, क्या 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 कर रही है? सॉरी बेटा, आजा अंदर आजा। अंकल मैं जा रहा हूँ और बिस्किट को ढूंढ के ही। थैंक यू। हाँ बेटा, एक मिनट रुक बेटा, ये थेपला रोल खा के जा। मैं अगर भाई, ये तो मैं ऐसा कुछ भी किए बिना चुपचाप खा के जाने का है, पकड़। अभिषेक मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ बिस्किट को ढूंढने। आ जाओ, जो डोंट डाई। अभी चक्कर खा के बेहोश हो गई थी ना तू? हाँ तो मम्मी मैंने खाना खाया ना, आई एम ओके नाउ पापा। हाँ ठीक है बेटा, अरे जाने देना इसे, जा। अभिषेक तेरे घर पे सब ठीक है ना? हाँ, मतलब वो तेरी मम्मी अन्ना साहब को बोल रही थी ना कि आप अंदर चलिए। ये हाँ अभिषेक बेटा, ओ क्या था उसका मतलब, क्या था है? पंचायतनी शुरू हो गई। अरे आप क्या ऐसा करते हो, वो अन्नी बेन ने अन्ना भाई को बोला ना ऐसा, आप अंदर चलो तो जरा, इसके लिए पूछ रही हूँ कि भाई ऐसा मामला क्या है? थोड़ा आराम कर लेता हूँ। क्षमा करना, लेकिन आपका आराम हराम करने में आपको यहाँ अंदर लाई हूँ, इसलिए चुपचाप बैठ जाइए। चिंता मत करो जोत्सना, मिल जाएगा कुतरा, घबराओ मत। ठीक है, लेकिन आपको भी आपका लेक्चर मिल जाएगा अन्ना साहेब, और आप घबराइए। ये आलाप चलेगा ना? आवाज थोड़ा बढ़ा दो। बढ़ाती हूँ, और जोर से बढ़ते हुए आलाप को चीरती हुई मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंचती है कि नहीं, वो भी देखती हूँ। शुरू। भाई, निर्मिति रेडियो पे आलाप। सॉरी क्या सॉरी, बिंदास नहीं नहीं इशारे करती हैं आप, पर आलाप का इशारा ऐसे कैसे? अरे वो दत्ता बहू है ना, उनका बेटा आलाप, वो ऐसे ही तो चलता है लड़कियों की तरह बल खा के। ओफो, आई कुदे ना, जरा सुनने दो ना आई की डांट। ए प्रभाकर दादा, ए अंदर ऐसे ऐसे भीगी बिल्ली की तरह बैठे होंगे वो हिटलर गोखले अंदर। मैं पूछती हूँ क्या गलती थी बेचारी की जो इतने बुरे तरीके से आपने उसे डांटा? किस आधार पर डांटा आपने उसे?
उसकी मम्मी उर्मिला ने भी तो कितना कुछ कहा मुझे। तो माँ की गलती की सजा आप बेटी को देंगे? आप बेटी को खरी खोटी सुनाएंगे तो माँ क्या चुपचाप बैठ के भजन करेगी? लेकिन उर्मिला। फिर उर्मिला? अभी बात गायत्री की हो रही है ना, उसकी एक भी गलती बताइए आप मुझे। हाँ, वो आपके खिलाफ साजिश में शामिल थी, लेकिन उसका सूत्रधार कौन था? हाँ, आपका राम, जिस पे आपको बहुत गर्व है। हमेशा कहते रहते हैं कोई गलती नहीं करता। उसने मदद मांगी थी गायत्री से, और बेचारी गायत्री ने मदद भी की, अपने लिए नहीं, आपके परिवार के लिए। मैं सही हूँ कि नहीं, बोलो। हाँ भाई 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 निर्मिति, मैं तो कहता हूँ हम सबको विद्रोह करना चाहिए, वरना ऐसे ओ अन्ना, हाँ अन्ना, जी अन्ना, ऐसे करते बुड्ढे हो जाएंगे सब दुकान पे। हमारे पास कोई और चारा है क्या? है ना, चारा है। अरे हम सब इतना मजबूर करेंगे कि ये वाड़ा और दुकान बेच के हम चारों भाइयों को। कोई साथ नहीं देने वाला तुम्हारा केशव, और ये दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के ढाई 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 करना बंद करो। मेरा कंधा तो फ्रैक्चर हो जाएगा एक दिन, इतनी गोलियां छोड़ी है इसने मेरे कंधे पे बंदूक रख के, हमेशा हमेशा मेरे ही नाम से शिकायत करता है। क्योंकि आपके सपने को साकार होते हुए देखना चाहता हूं मैं प्रभाकर दादा। महान गीतकार बनना नहीं है आपको? गीत लिखना तो जीवन है मेरा, जीवन में एक ही तो गीत लिखा है। और उसके संस्कार तो देखिए, गलती ना होने के बावजूद भी उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन फिर भी आपने उसे माफ नहीं किया। इतनी अकड़, इतना टेढ़ापन, फिर भी मैं मान लेती, क्योंकि आप तो अपनी सगी बेटी को भी माफ नहीं करते, दूसरों की बेटी को क्या माफ करेंगे? अगा भाई 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 भाई, निर्मिति तेरे जेठ तो रो पड़े। अब बिना मैं मुकदमा करूंगी वैदी। जेठ का इशारा ऐसे कैसे? अरे जेठ पे ऐसी तोड़ता है ना हमें, हमेशा सबकी नियत खराब ही लगती है आपको। गिफ्ट वापस ले जाओ, सालगिरह नहीं है किसी की, बर्थडे नहीं है किसी का। अरे इतने प्यार से लेके आए थे आपके लिए, फिर भी उसमें आपको उनका स्वार्थ ही दिखा। अहंकार की भी एक सीमा होती है, आपने उसे भी पार कर दिया। सोचिए कुछ आ रही है सर? नहीं, मैं तो अंगड़ाई की बात कर रही हूं। अगर अंगड़ाई आ रही है तो ले लीजिए, और फिर बारिश में भीगती हुई हिंदी फिल्म की हीरोइन की तरह गाना भी गाइए। बस हो गया मेरा, लेकिन मैंने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। हाँ, आवाज जरा ऊंची हो गई हो तो क्षमा करना। हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया, अंदर चलो 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 चलो। अरे चलो, सब इधर उधर हो जाओ। अरे चलो, अरे अभी वो घायल शेर आएगा ना बाहर, तो सबसे पहले जो दिखेगा उस पे हमला करेगा ऐसा बोल के। केशव, एक बात बताना, क्या मैं कभी गीतकार बन पाऊंगा? वो प्रभाकर दादा, अरे आपका एक लौता गीत जो है वो समुंदर खारा होता है क्योंकि होता है उसमें नमक, कितना दर्द है उसमें। हाँ बहुत दर्द है, ये सुन के अन्ना के तो कान में दर्द हुआ था मालूम, और एक बार तो उनके हाथ में भी दर्द हुआ था। कैसे? अरे वो सुनने के बाद आपको जोर से मारा था ना गड़म। अरे आप रोने क्यों लगी? मामूली कुछ ऐसा है, इधर तेरी जेठ रो रहे, उधर गुजराती लोग रो रहे। हेलो, हाँ माधवपेट पुलिस स्टेशन, कि हमें कंप्लेन लिखवानी है, तो कौन सी ब्रांच जाए? दरअसल हमारा बिस्किट खो गया है। ये आया उर्मिला? हाँ। इसने तो फोन काट दिया।
एक काम करते महेंद्र, सीधा पुलिस स्टेशन जाके वहीं पे कंप्लेन लिखवाते। चल, वैसे अभिषेक तो बेचारा गया ही है बिस्किट को ढूंढने, पर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते ना। पोस्टर हा? पोस्टर महेंद्र, गली गली हमारे बिस्किट के पोस्टर चिपकाते हैं हम लोग। हाँ चल, पोस्टर चिपकाते हैं। होर्डिंग होर्डिंग महेंद्र, होर्डिंग पूरे पुणे शहर में बड़े बड़े फुल साइज होर्डिंग लगाते हैं, बिस्किट मिसिंग। ठीक है, मैं एक होर्डिंग वाले को जानता हूँ। टीवी 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 पे प्रसारण करवाते हैं महेंद्र। अब फिल्म बना के रिलीज करवा दूं? खोया हमारा बिस्किट, बीवी करे खिटपिट। ए महेंद्र, अखबार में तो इश्तेहार दे ही सकते हैं ना हम। हाँ, अब पते की बात कही तूने, मैं अभी इश्तेहार रेडी करवा देता हूँ, शाम के अखबार में छपवा देंगे। हा? और साथ में है ना फुल साइज फ्रंट पेज अन्ना मुर्दाबाद ऐसा फोटो भी छपवाएंगे। अकड़ू, बुट्टो, सनकी, खसकेल खोपड़ी, कहाँ वो अन्ना और कहाँ इसका हाई क्लास बेटा अभिषेक। बिस्किट, बिस्किट, बिस्किट। रुको रुको, दो दल में बैठ जाते हैं। हाँ, दो 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 दल। ठीक है भाई साहब, बहन जी, आप लोग ना उधर जाके ढूंढिए, हम लोग उधर जाके ढूंढते हैं। हो गया ना दो दल? हाँ बोल दादा, ये अजनबी हैं, इनको कैसे पता चलेगा हमारा बिस्किट। सॉरी सॉरी दादा, आप जाइए, प्लीज जाइए, सॉरी। अमोल दादा, हम दो दल में बढ़ते हैं, ओके? हाँ सुनो, मैं इस तरफ ढूंढता हूँ, आप तीनों उस तरफ ढूंढना, ओके? रास्ते में ना जितने भी खंभे या पेड़ आएंगे ना, उस पे हम बिस्किट को ढूंढने के लिए ये फोटो चिपका देंगे, ये। पर ये आपकी फोटो है। हाँ मुझे पता है, पर हमें बिस्किट को ढूंढना है। हाँ लेकिन खोया तो मैंने है ना, अगर मैं उसको छोड़ता नहीं तो वो खोता कैसे? थैंक यू अमोल दा, एटलीस्ट गायत्री हंसी तो सही। हंसी? हाँ अभिषेक, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, बिस्किट ट्रैफिक साउंड से भी डर जाता है। गायत्री गायत्री, लुक एट मी, डोंट वरी, मैं दुनिया उलट पलट कर दूंगा लेकिन बिस्किट को ढूंढे बिना वापस नहीं आऊंगा। ओके लेट्स गो, कम ऑन, आप जाइए वहां पे। हाँ हाँ, चलो 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 चलो। अब बताइए आप रोए क्यों? आप ही ने तो ये अधिकार दिया था ना मुझे, फिर बुरा क्यों लगा आपको? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा जोसना। ओ ये परिस्थिति देखो ना कैसी, इतने से थी ये विभू, हम लोग लुका छुपी खेलते थे, उसे जिताने के लिए जानबूझकर मैं उसे नहीं ढूंढता था, और मुझे जिताने के लिए जानबूझकर वो सामने आ जाती थी। ऐसे ही अभी सामने आ गई। आपको भी तो पता था वो कहां छुपी है, फिर भी जानबूझ के उसे ढूंढ नहीं रहे थे। आप बेटी को इतना प्यार कर सकते हैं तो माफ क्यों नहीं कर सकते? वही नहीं कर सकता ना मैं जो सना, अगर उसे माफ कर दिया ना तो सबको लगेगा कि गलतियां तो माफ हो जाती है, और माफी की वही उम्मीद लोगों को जानबूझकर गलतियां करने पे उकसाती है, और विभु ने इस घर का अनुशासन तोड़ा है, वो अनुशासन जिसके बलबूते पर मैंने पूरे घर को जोड़ रखा, वरना वो केशव तो तैयार ही बैठा है दुकान बेचकर अलग हो जाने के लिए। सुचिता भी बड़ी हो गई है, उसके भी सूर बदले बदले नजर आ रहे हैं, पूरा परिवार एक पल में बिखर जाएगा जोचना अगर अनुशासन टूटा तो। बेचारा मेरा अभिषेक मेरे बाद कैसे संभालेगा पूरे परिवार को अगर सबने अपनी मनमानी करना शुरू कर दी तो? सच लवली डॉग, पर किसका है? कोई
अरे अपना ही है, इसे रख लेते, आज से अपना ही है। नहीं नहीं जानवी, पापा नहीं मानेंगे। प्लीज प्लीज करके मना लेंगे ना, कुछ नहीं होगा। रुक, आई हैव एन आइडिया। क्या कर रही है? इसे रख दे इसमें। क्या हो गया? फिलहाल इस पिकनिक बास्केट में रख के मैं इसे घर में छुपा देती हूँ। लंच के बाद डैड को सब बता देंगे। देख जानवी, मैं मना कर रही हूँ, पापा बहुत डांटेंगे। अरे फट्टू क्या डरती है तू? चलो चलो चलो, वी आर गेटिंग लेट, मैंने टेबल ऑलरेडी बुक कर दिया। जानवी बेटा आप कहाँ जा रहे हो? पापा वो मैं टॉयज रख के आती हूँ। हरी अब जल्दी, फास्ट जल्दी, लेट हो रहा है। बिल्कुल आवाज नहीं करना, ठीक है? क्वाइट डॉगी, हमारे साथ रहना है ना तो एकदम चुप, ओके? जानवी, जानवी कम ऑन। आई। बिस्किट बिस्किट बिस्किट।